नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी डिजिटल माइक सपोर्ट करने वाले मोबाइल के अंदर लगा पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आपके पास एक 3 पिन डिजिटल माइक है और इस 3 पिन डिजिटल माइक को आप कैसे 6 पिन, 5 पिन या फिर 4 पिन डिजिटल माइक सपोर्ट करने वाले मोबाइल के अंदर लगा पाएंगे। या फिर मान लीजिए आपके पास एक 4 पिन वाला डिजिटल माइक है और इस 4 पिन वाला डिजिटल माइक को आप कैसे 6 पिन, 5 पिन या फिर 3 पिन वाला डिजिटल माइक सपोर्ट करने वाले मोबाइल में लगा पाएंगे। या फिर आपके पास अगर 6 पिन और 5 पिन वाला डिजिटल माइक है तो इस 6 पिन और 5 पिन वाला डिजिटल माइक को आप कैसे 3 पिन और 4 पिन माइक सपोर्ट करने वाले मोबाइल के अंदर लगा पाएंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन 2 रीज़न है। एक तो कई बार क्या होते हैं दोस्तों, हमारे पास सेम माइक नहीं रहते हैं, और 2 नंबर जो रीज़न है, कुछ हमारा टेक्नीशियन भाई डिजिटल माइक को देख के ही सेट को रिटर्न कर देते हैं कोई बहाना बनाकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको एक भी डिजिटल माइक वाला सेट को रिटर्न नहीं करना होगा। दोस्तों, मैं जो यहाँ पे आप लोगों को मेथड दिखाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो चलिए इस मेथड को अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो डिजिटल माइक प्रॉब्लम वाला मोबाइल आता है उनमें से सबसे ज़्यादा ये जो 4 माइक है ये ज़्यादातर मोबाइल में दिखाई देते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बोल दूँ इस मेथड को करने के लिए डिजिटल माइक में से कौन कौन पॉइंट्स को हम लोगों को ज़रूरत होगी जो इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, इस मेथड को करने के लिए हम लोगों को डिजिटल माइक में से 3 पॉइंट की ज़रूरत होगी। एक नंबर पॉइंट है GND यानी ग्राउंड, और 2 नंबर पॉइंट है VDD जिसके ज़रिए माइक में 1.8 वोल्ट की आसपास इनपुट होते हैं, और 3 नंबर जो पॉइंट की ज़रूरत होते हैं वो है डेटा पॉइंट जिसके ज़रिए ऑडियो आउट होके मोबाइल PCB में इन होते हैं। दोस्तों, इस मेथड को करने के लिए किसी भी डिजिटल माइक में से इसी 3 पॉइंट की हम लोगों को ज़रूरत होगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, इसी 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट इस 4 माइक में से आपको कहां कहां मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों की टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसी 4 माइक की ऑलरेडी पिन आउट करके रखा हूं और अभी मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो 6 पिन डिजिटल माइक है, इस माइक को इस पोजिशन में रख के देखेंगे तो ये जो 4 पॉइंट्स है दोस्तों ये ग्राउंड होते हैं, ठीक है। तो इसी 4 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट से आप ग्राउंड ले सकते हो, और बाकी ये जो 2 पॉइंट है दोस्तों, इनमें से ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारा VDD, इस पॉइंट के जरिए माइक में 1.8 वोल्ट की आसपास इनपुट होते हैं और इसी पॉइंट के जरिए माइक में सप्लाई मिलते हैं, और बाकी ये जो 1 पॉइंट है दोस्तों ये हमारा डेटा पॉइंट, इसके जरिए माइक का ऑडियो आउटपुट होके मोबाइल PCB में इन होते हैं। दोस्तों, 6 पिन डिजिटल माइक में से हम लोगों को सिर्फ इसी 3 पॉइंट की ज़रूरत होगी। दोस्तों, पहले एक एक करके सारे डिजिटल माइक की पिन आउट को जान लेते हैं और लास्ट में हम लगाने का तरीका भी जानेंगे। और दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा 5 पिन डिजिटल माइक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 2 पॉइंट होते हैं ये हमारा ग्राउंड पॉइंट, ठीक है, और ये जो पॉइंट है दोस्तों ये हमारा क्लॉक पॉइंट, इस क्लॉक पॉइंट को ग्राउंड के साथ जोड़ना है, और ये जो पॉइंट है दोस्तों ये हमारा VDD पॉइंट, ठीक है, और ये जो पॉइंट है दोस्तों ये हमारा डेटा पॉइंट, इसके जरिए माइक का जो ऑडियो है वो आउटपुट होते हैं। तो इस 5 पिन माइक में से हम लोगों को सिर्फ इसी 3 पॉइंट की ज़रूरत होगी। और अभी चलिए नेक्स्ट माइक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो 3 पॉइंट की डिजिटल माइक है इसमें से ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है दोस्तों ये हमारा VDD पॉइंट, इसके जरिए माइक में सप्लाई इनपुट होते हैं, और ये जो पॉइंट है दोस्तों
ये माइक का डेटा पॉइंट, इसके जरिए ऑडियो आउट होते हैं। और ये जो माइक है दोस्तों, ये माइक ज़्यादातर सैमसंग मोबाइल में रहता है, और आप चाहे तो इसी माइक को किसी भी मोबाइल में लगा पाएंगे जिसके अंदर डिजिटल माइक है। और अभी चलिए दोस्तों नेक्स्ट माइक की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये जो 4 पॉइंट की माइक है, इसकी 2 पॉइंट ग्राउंड है। तो पहले आपको ग्राउंड को ही फाइंड आउट करना है, और दोस्तों ग्राउंड को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। इस माइक की ग्राउंड को फाइंड आउट करने के लिए आपको मीटर को कंटिन्यूटी में सेट करना है, और इसके बाद किसी भी एक साइड में दोनों पॉइंट को रीडिंग करना है। जिस दोनों पॉइंट में आपको बीप मिलेगी वही ग्राउंड है। और भी मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ दोस्तों ग्राउंड को फाइंड आउट करने के लिए। माइक को इस तरफ करके देखेंगे तो माइक की 2 पॉइंट में आपको लाइनिंग नजर आएगा, जैसे इस माइक में दिखाई दे रहा है। और इसी लाइनिंग वाला पॉइंट की जो ऑपोजिट साइड में 2 पॉइंट है, वही दोनों पॉइंट ग्राउंड होता है। दोस्तों इस तरह माइक की ग्राउंड पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद माइक को इस पोजिशन में रखेंगे तो अगर ये दोनों पॉइंट ग्राउंड है तो इनमें से आप किसी भी एक पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट को ले सकते हो। और दोस्तों इसकी ऑपोजिट साइड में ये जो पॉइंट है, ये हमारा VDD पॉइंट, इसके जरिए इस माइक में सप्लाई मिलते हैं। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये माइक का डेटा पॉइंट, इसके जरिए इस माइक की ऑडियो आउट होते हैं। दोस्तों हमने तो यहाँ पे चारों डिजिटल माइक की सारे पॉइंट के बारे में अच्छे से जान लिया, और अभी हम देखेंगे PCB में जहाँ पे माइक रहता है कौन सी पॉइंट में हम लोगों को माइक को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 6 पिन डिजिटल माइक PCB को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये रहा 6 पिन डिजिटल माइक PCB, इसमें 6 पिन डिजिटल माइक रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट ग्राउंड है। तो इसी चारों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट में हम ग्राउंड को लेंगे। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा VDD पॉइंट, इसके जरिए माइक में पावर सप्लाई मिलते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये माइक डेटा पॉइंट, इसके जरिए माइक से जो ऑडियो आउट होते हैं और फिर वो ऑडियो इसमें से इनपुट होते हैं। तो हम लोग को सिर्फ इसी 6 पिन डिजिटल माइक PCB से सिर्फ इसी 3 पॉइंट की ही ज़रूरत होगी। और अभी चलिए नेक्स्ट PCB की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा 5 पिन डिजिटल माइक PCB। और यहाँ पे देखिए, ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ग्राउंड है, ठीक है। और इसके बाद ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये माइक का क्लॉक पॉइंट है। ये ज़्यादातर मोबाइल में ग्राउंड के साथ शॉर्ट रहते हैं, तो इसमें से हम किसी भी एक पॉइंट से ग्राउंड को लेंगे। और इसके बाद ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा VDD पॉइंट, इस पॉइंट के जरिए माइक में पावर सप्लाई मिलते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट, माइक से जो ऑडियो आउट होते हैं वो इसके जरिए इन होते हैं। और अभी चलिए नेक्स्ट PCB की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये जो 3 पॉइंट डिजिटल माइक PCB है, इसमें से ये जो पॉइंट है, ये ग्राउंड है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये VDD पॉइंट, इसके जरिए माइक में पावर सप्लाई मिलते हैं। और इसके बाद ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये माइक डेटा पॉइंट, इसके जरिए माइक का ऑडियो इन होते हैं। और अभी चलिए नेक्स्ट और लास्ट PCB की तरफ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो 4 पॉइंट डिजिटल माइक PCB है, इसमें से पहले 2 ग्राउंड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। आपको मीटर को कंटिन्यूटी में सेट करना है, और इसके बाद एक प्रोब को किसी भी एक जगह में ग्राउंड करना है, और जहाँ पे माइक रहते हैं उसकी दोनों साइड की पॉइंट को रीडिंग करके देखना है। और PCB में जिस साइड में आपको 2 ग्राउंड पॉइंट मिलेगी, उसकी ऑपोजिट साइड में VDD और डेटा पॉइंट यानी ऑडियो इन पॉइंट होगी। मान लीजिए इस PCB की ये दोनों पॉइंट हमारा ग्राउंड है, तो इसकी ऑपोजिट साइड में ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये माइक का VDD पॉइंट है। और इस पॉइंट से ही माइक में पावर सप्लाई मिलते हैं। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये माइक का डेटा पॉइंट, माइक से जो ऑडियो आउट होते हैं वो इसके जरिए इनपुट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको इस मेथड को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है 6 पिन का डिजिटल माइक,
और इसी 6 पिन डिजिटल माइक को आप कैसे किसी भी मोबाइल में लगा पाएंगे जिसके अंदर डिजिटल माइक है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले माइक की GND, VDD और डेटा पॉइंट में जम्पर वायर जोड़ना है। दोस्तों इस तरह माइक की GND, VDD और डेटा पॉइंट में जम्पर वायर जोड़ना है। और अभी हम इस 6 पिन माइक को 4 पिन माइक की जगह लगाने का तरीका जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है 4 पिन डिजिटल माइक की PCB, इसके अंदर हम 6 पिन डिजिटल माइक को लगाएंगे। तो सबसे पहले माइक की जो ग्राउंड पॉइंट है उसको हम जोड़ेंगे ग्राउंड के साथ, ठीक है, इस तरह। और इसके बाद बाकी 2 पॉइंट को जोड़ेंगे, VDD और डेटा पॉइंट को। तो ये रहा हमारा डेटा पॉइंट, और जो डेटा पॉइंट के नीचे की पॉइंट है ये है VDD पॉइंट, ठीक है। दोस्तों इस तरह करके माइक को जोड़ेंगे तो माइक बिल्कुल 100% वर्किंग करेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितना हो सके माइक की जो जम्पर वायर है, जम्पर वायर को छोटा करें। मैं आप लोग को समझाने के लिए इस जम्पर वायर को लॉन्ग किया और माइक को मोबाइल PCB के साथ जम्पर करने के बाद इस जगह में कोई सा भी टेप लगा देना है ताकि माइक PCB के साथ शॉर्ट ना हो। दोस्तों इस तरह आप 4 पिन माइक की जगह 6 पिन माइक को लगा पाएंगे। और दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा 3 पिन माइक की जगह 6 पिन माइक को कैसे लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम माइक की जो ग्राउंड पॉइंट है वो कहीं पे भी जोड़ेंगे, और इसके बाद माइक डेटा पॉइंट और VDD पॉइंट को जोड़ेंगे। तो इस तरह आप 6 पिन माइक को 3 पिन माइक की जगह लगा पाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसी 6 पिन माइक को आप कैसे सेम माइक सपोर्ट PCB में लगा पाएंगे। दोस्तों वैसे तो हम इसी माइक को हॉट एयर गन से भी इसमें सीधे लगा सकते हैं। दोस्तों हॉट एयर गन से माइक को लगाने से माइक खराब होने की चांसेस रहता है, तो इसलिए यही बेहतर होगा जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दोस्तों इस 6 पिन माइक में से आपको सिर्फ 3 पिन ही जम्पर करना है, GND, VDD और डेटा पॉइंट, इस 3 पॉइंट को ही आपको सिर्फ जम्पर करना है।
देखिए दोस्तों, इस तरह आप माइक को लगा पाएंगे। और दोस्तों, आप इसी 6 पिन माइक को 5 पिन माइक की जगह भी सेम मेथड से लगा पाएंगे। दोस्तों, डिजिटल माइक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जो सबसे ज़्यादा माइक यूज़ करता हूँ वो है 3 पिन डिजिटल माइक, क्योंकि ये माइक बहुत ही छोटा होते हैं और ये किसी भी मोबाइल में बहुत ही आसानी से फिट हो जाते हैं। दोस्तों, इस माइक को लगाना भी सेम मेथड है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ इस माइक को आप कैसे इनमें से किसी भी पीसीबी में लगा पाएंगे। स्क्रीन पे दिखिए दोस्तों, मैं जो आपको यहाँ पे जंपर करके दिखाया हूँ, इस तरह आप लोग इस माइक को किसी भी पीसीबी में लगा पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उसके अंदर ये जो 3 पिन वाला माइक है, इस 3 पिन वाला माइक को आप कैसे किसी भी पीसीबी में लगा पाएंगे और उसके अंदर और भी बहुत सारे माइक के बारे में जानकारी होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आप जो एक लाइक करने के साथ साथ कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।